आज जो है जो अभी मॉनसून सीजन आने वाला है इसके लिए जो है वृक्षारोपण के लिए आज विभिन्न विभाग के लोग आए थे डिपार्टमेंट के नगर। धनबाद को हरा भरा बनाने को लेकर जिले की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं बढ़ चढ़ कर कदम उठा रही हैं। इसी क्रम में धनबाद वन विभाग द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल के कार्यालय में विभाग के अधिकारी और कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में सभी लोगों से पौधारोपण करने की अपील की गई और निर्णय लिया गया कि धनबाद को हरा भरा बनाने को लेकर वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल ने बताया कि धनबाद को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त करने को लेकर वृहद पैमाने पर पौधारोपण करने का फैसला लिया गया है। इसमें निगम सहित अन्य स्टेक होल्डर शामिल थे और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। अगले 10 दिनों में इस दिशा में कार्य किए जाएंगे। ओबी जंप इलाके को चिन्हित किया गया है और वहां भी वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। आज जो है जो अभी मॉनसून सीजन आने वाला है इसके लिए जो है वृक्षारोपण के लिए आज विभिन्न विभाग के लोग आए थे डिपार्टमेंट के, नगर निगम था और आपका कृषि विभाग से लोग थे और CISF से लोग थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि विभिन्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लोग थे, BCCL से थे, टाटा से थे, ECL से थे, हल से थे। इसके अलावा आप NGOs लोग थे और मीडिया लोग थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी था इसके अंदर। तो और बाकी लोग जो बहुत सारी जो उसमें बताया था, इस बार धनबाद के अंदर बहुत सारी डिमांड आ रही है, चाहे बैंक्स हो, चाहे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो, चाहे आम आदमी का हो, चाहे CRPF CISF का हो या पब्लिक सरकारी डिपार्टमेंट का, उनके द्वारा सभी के साथ द्वारा जो है वृक्षारोपण का टारगेट और वृक्षारोपण करने लोग बहुत सारा प्रोत्साहित है, इसकी बहुत डिमांड आ रही थी। तो इसको लेकर हम लोगों ने एक बैठक करी जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हुए और सभी का जो हमने बैठक का मेन मोटिव था कि हमको धनबाद को हरा भरा करना है और सबसे बड़ा इंश्योर करना है कि जो हम पौधे लगाते हैं उसकी उत्तर जीविता रहे। तो हम लोगों ने इस बार एक बनाया है कि सबसे पहले तो हम आपस में कोऑर्डिनेशन किया जाए। कोऑर्डिनेशन कमी थी क्योंकि सब लोग अपना अपना टारगेट करते थे और फोकस टारगेट पर रहता था। इस बार हम लोगों ने कहा है कि हम लोग एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसके अंदर हम लोग बैठक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि डुप्लीकेसी ना हो। एक जगह का प्लांटेशन को कर रहा है कोई भी विभाग हो, डिपार्टमेंट है, NGO, तो उसके उसमें सभी लोग इन्वॉल्व होकर उसी एरिया को हम लोग डेवलप करेंगे और उसको इंश्योर करेंगे वो एरिया ग्रीन बेल्ट के अंदर डेवलप हो जाए। स्पेशली हमने मैंने बताया जैसे आपका ओबी डंप एरिया है, बोहरा हो गया, या फिर आपका जो भी शहरी क्षेत्र में जहाँ ओबी डंप होता है या फिर जहाँ पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर ज़्यादा व्हीकल का मूवमेंट है, उसको नगर निगम ने भी आइडेंटिफाई किया है और मेरे पास लिस्ट आई है। और कुछ लोग वार्ड में हो गए, अपने जो वार्ड एरियाज़ है वहाँ हो गया, कुछ रूरल एरियाज़ में भी है। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन से प्रॉब्लम आती है, हमने बोला है कि अभी से हम लोग एडवांस वर्क चालू कर देंगे 10 दिन में, ताकि जो है जो मिड जुलाई आएगा 15 से 20 जुलाई के बाद हम लोग अलग अलग अपने क्षेत्र में जो है हम लोग उसको जो है प्लांटेशन काम चालू कर देंगे।